हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश चुगाड़ में। दोस्तों मैं आपका दोस्त समीर आज आपके लिए लाया हूँ फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। वैसे तो दोस्तों इसका नाम द लास्ट लेसन है लेकिन ये किताब का पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर एक अध्यापक था जिसका नाम हैमल था। हैमल एक बहुत तजुर्बेकार टीचर था और वह 40 सालों से लॉरेन स्कूल में पढ़ा रहा था, लॉरेन एल अल्सेक स्कूल में। ये स्कूल जर्मन में था, हालांकि यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये ऑर्डर आया था बर्लिन से कि यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली ऑन जर्मन पढ़ाई जाएगी। और उसमें दूसरा करेक्टर है मिस्टर फ्रांस। फ्रांस जो कि एक छोटा बच्चा था और वह अपने अध्यापक से बहुत डरता है। अक्सर बच्चे बहुत से डरते हैं अपने अध्यापकों से, और वह फ्रेंच पढ़ाता था। उसके बाद उसमें एक दिन हैमल ने कहा कि मैं आप सबका पार्टिसिपल का टेस्ट लूंगा कल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी बच्चा फ्रेंच नहीं जानता था और वह डरते हैं शायद उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो फ्रांस अगले दिन सोचता है मौसम बहुत अच्छा है, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो अध्यापक मुझे डांटेगा और मार भी सकता है। इसी वजह से वह सोचता है कि मैं स्कूल बंक करूं। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में आता है कि वह स्कूल जाए, और वह स्कूल जाता है। जैसे ही वह एक गेट पर पहुंचता है तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड, जैसा कि हर स्कूल में होता है, वहां पे बहुत भीड़ लगी थी और वहां पर हमेशा 2-3 सालों से कोई अच्छी खबर नहीं थी। हालांकि यहाँ पे आज जो दिन था बहुत साइलेंट था और वहां पर कोई ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद संडे हो, बाकी दिनों में वो शोर शराबा होता है, पहाड़े पड़ने की आवाज आती है और डेस्कों के इधर उधर होने की आवाज आती है, लेकिन आज कुछ माहौल अलग था। तो फ्रांस ने वहां पे पढ़ा कि ये आज फ्रेंच का और हैमल का आखिरी दिन है, कल से यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया और सरप्राइज होता है और जल्द से जल्द अपनी क्लास में जाना चाहता है। जैसे ही अपनी कक्षा में पहुंचता है तो देखता है सारे बच्चे वहां पे पहले से मौजूद थे, क्योंकि वो लेट हो चुका था, और पीछे गांव वाले बैठे थे। इससे पता चलता है कि आज कुछ खास दिन था। हैमल पूरे तैयार थे, कपड़े पहने हुए थे पूरी तरह से, ड्रेसेस वेल ड्रेस थे, कोट पहन रखा था, हाथ में छाता था। वह बोलना शुरू करते हैं और हैम उससे कहते हैं आप आइए बैठिए, वरना और दिनों अगर वे लेट आता था कोई बच्चा तो उसे सजा देते हैं। तो अब स्पीच शुरू करते हैं कि बच्चों फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है और हमें फ्रेंच सीखनी चाहिए। ला लॉन्ग फोगोन से एला बॉन लॉन्ग आला तुला मोंद नू दुओ अप्रॉन्द ला लॉन्ग फोगोन से। करिए ना दोस्तों, ये फ्रेंच है। वे कहते हैं फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, हम सबको फ्रेंच सीखनी चाहिए। वे कहते हैं कि आप फ्रेंच नहीं सीख सके इसके लिए आपके माँ बाप जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया। फ्रांस जो कि एक विद्यार्थी था सोचता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने हैमल की बात ना मानकर और फ्रेंच ना सीखकर। उसे बहुत अफसोस होता है और वो पछताता है क्यों वह फ्रेंच नहीं सीख पाया, क्यों उसने फ्रेंच को अवॉइड करा। लेकिन हैमल कहते हैं फ्रेंच एक लॉजिकल भाषा है, अगर हम फ्रेंच जानते हैं तो हम अपनी रिहाई को उसके लिए हथियार का काम में ले सकते हैं, और फ्रेंच हमें सीखनी चाहिए क्योंकि फ्रेंच से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और वो इस देश से भी बहुत ज्यादा प्रेम करता था। लेकिन दुख इस बात का था कि उसका आखिरी दिन था। वो बहुत इस लंबा स्पीच देता है और बच्चे सुनते हैं, लेकिन फ्रांस को बहुत दुख होता है क्योंकि ये फ्रेंच का आखिरी दिन था और हैमल का आखिरी दिन था। जब घंटी बजती है चर्च की, आखिर में वे लिखता है चौक से वीव ला फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, यानी कि मेरे जाने के बाद भी फ्रेंच अमर रहे, क्योंकि पहले ऑर्डर आया था बर्लिन से कि यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेक और लॉरेन स्कूल में। तो इस तरह से पाठ समाप्त होता है। तो दोस्तों बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।